भाई साहब देख रहे हो, जैसा कि हम आ गए हैं जल महल में, और आपको दिखाऊं? सच में दिखाऊं? मन तो नहीं कर रहा है दिखाने का, फिर भी दिखाई देता हूँ। तो चलिए थोड़ा पास चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ जल महल। तो चलिए मैं चल रहा हूँ। तो ये देखिए जल महल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, है ना। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अब अपन आए दिल्ली, ऐसे घूमेंगे और वीडियो आएगी। दिल्ली नहीं, मतलब कॉलेज में जब जब फ्री होंगे तब अपन घूमेंगे और वीडियो आया करेगी। तो गाइस देख रहे हो यार आप जल महल। तो गाइस जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए थे और हम इस रोमांचक जर्नी पे निकले थे जो कि थी राजस्थान की। अभी हमने खाटू श्याम हवा महल ये सब तो कवर करा ही करा। अभी हम बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे हैं जो कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने ही है। और ये जो लोकेशन है इसे हम जानते हैं जल महल के नाम से। तो एक बार आप इसके ग्लिम्स लीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। गाइस जैसा कि प्रियांशु ने बताया आपको जल महल के बारे में, और ये गाइस एक मतलब एक यूनिक जगह है देखने के लिए। जैसे आप देखोगे मतलब पानी के अंदर महल दिख रहा है यार, पानी के अंदर, मतलब कई बहुत सदियों से ये इधर का ऐसे ही मतलब खड़ा है पानी के अंदर। और इधर हम इसके आगे जा नहीं सकते, और मतलब इसके अंदर जो सिक्योरिटी है महल की वही जा सकती है, और वो भी है ना बोट के थ्रू ही जाती है। और तो भाई देख लो, आपको मैं सीन दिखाता हूँ इधर का, इधर के आसपास मतलब कितने अच्छे व्यू हैं। पहाड़ भी है इधर, और जल महल देख लो आप एक बार। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपका भाई डेली आपके लिए व्लॉग लेके आता है। और ये व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा यार पब्लिक आने में, क्योंकि हम है ना अभी दो दिन से है ना सफर ही सफर कर रहे हैं। व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रहा मैं, कोई रीज़न है इसकी वजह से। तो मैं जल्दी व्लॉग डाल दूँगा, आ जाएगा एक दो दिनों के अंदर आ जाएगा। तो गाइस देख लो जैसा कि आप, ये प्रियांशु भाई क्या देखें, इनको क्या हो गया, देखते हैं पूछते हैं। प्रियांशु क्या हुआ, क्या हो गया? पानी बहन कहाँ पे भाई? राजस्थान में पानी? भाई क्या बोल रहे हो, ये क्या है, चल महल बना रखा इन्होंने पानी में भाई, इतनी पानी भाई इतनी। तो गाइस आप लोग बोल रहे थे राजस्थान में पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये क्या है, जल महल बना हुआ भाई पानी के बीच में, ठीक है ना। तुम कुछ ही समझ रही हो यार राजस्थान को। और आपको एक बात बता दूं, बेंगलोर में पानी नहीं है, तो बेंगलोर वालों पानी लेने आ जाओ इधर राजस्थान में, समझे। इधर का डिजाइन देखो यार एक बार, कितना मस्त लग रहा है ना। और बिल्कुल खुला मंदिर है एकदम। पार्थ भाई है साथ में, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। पार्थ भाई है वो लेके आ रहे हैं, और अभी दरबार बंद हो रखे हैं, अभी खुलने वाले हैं शायद, अभी खुलेंगे। देख लो यार पट बंद हो रखे हैं, गोविंद देव जी मंदिर है, और पता नहीं कब तक खुलेंगे, देखते हैं थोड़ी देर में खुल जाएंगे, वेट कर रहे हैं, वरना चलेंगे यार, लेट हो रहा है ना, और भी घूमना है। तो देखो कितने भक्त आ रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस यार कुछ उल्टा ही सीन हो गया, मंदिर में आए थे और सेट यार देख नहीं पाए क्योंकि मंदिर के दरबार अभी तक खुले नहीं है, टाइम लग रहा है, और हम हो रहे हैं लेट। प्रियांशु भाई बोले चलो और कहीं पे चलते हैं घूमने, क्योंकि भाई देखो अभी हमारे पास सीन ऐसा हो रखा ना, कल सुबह हमारी 6 बजे की ट्रेन है इधर जयपुर से, और हमें रेस्ट भी करना है क्योंकि रात भी मतलब हम घूम रहे थे। पिछले 2 दिनों में हमने ली है मात्र 6 घंटे की नींद, तुमने 48 घंटे में 6 घंटे की नींद बहुत कम होती है भाई साहब। और उसके अंदर अंदर ये नींद को साथ में लेते लेते हमें सुबह 6 बजे निकलना भी, और कल पूरे दिन हम ट्रेवल करने वाले हैं, कल भी एक वीडियो शूट करेंगे हम जो कि होगी डबल डेकर एक्सप्रेस की, तो वो भी हमारे साथ में जरूर देखना और साथ बने रहो। तो गाइस अपन अब आ गए हैं अल्बर्ट हॉल जयपुर में, जयपुर में तो है बट अल्बर्ट हॉल आ गए हैं, और मैं आपको दिखाऊं अल्बर्ट हॉल कैसा दिखता है। गाइस देख लो यार अल्बर्ट हॉल, अंदर जा नहीं रहा क्योंकि अंदर कुछ खास है नहीं, म्यूजियम है, म्यूजियम का ही दिखाना आपको, क्या ही करोगे म्यूजियम देखे, वैसे बहुत देखे हुए हैं। ये देख लो आप बाहर से देख लो यार, अंदर से नहीं जा रहा। और चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, जयपुर में बहुत थक गए यार,
भाई ने हमें घुमा दिया फुल अच्छी अच्छी जगहों पे। पूरा जयपुर तो नहीं घूम पाए, मतलब बहुत सी ऐसी ऐसी जगह रह गई, आमेर किला हो गया, वो सब कुछ रह गया ना, मतलब इनका जो ये ऑटो है ये जा नहीं सकता, तो इसलिए वो रह गए। तो उनको है ना हम अभी कवर करेंगे, गर्मी निकलने के बाद ही आएंगे वापस। तो पिंटू भाई जितने में पूरा इंतज़ाम रखेंगे बाइकों का सबका, तो चलेंगे। अभी तो एक बाइक है वो खड़ी है, तो हम बंदे हैं तीन और पुलिस वाले तो फिर ही रहे हैं, मतलब वो तो लगा देंगे चलाना अगर हो गए तो। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना व्लॉग को, ठीक है? तो ठीक है।